हाय गाइस, योगेंद्र शर्मा अगेन फिर से आपको अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में लेकर के चलता हूँ। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, एक वीडियो में मैंने आपको कैन कुड का यूज़ पढ़ाया था। कैन कुड का यूज़ कैसे होता है, तो कैन और कुड जैसे उसका यूज होता है, लगभग उसी अंदाज में, लगभग उसी तरह मे और माइट होते हैं। तो आज हम मे और माइट का यूज पढ़ेंगे, बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। जैसे कैन माने क्या होता है, सकना, ऐसे ही मे माने सकना होता है, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है कि कैन का यूज़ कहाँ होता है और मे का यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम मे बताते हैं आपको मे क्या होता है। मे माने भी सकना होता है, मे मीन्स भी सकना होता है, कैन मीन्स भी सकना होता है, लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में, बहुत ही छोटा सा महीन सा अंतर है केवल। और ये जानने के लिए आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है केवल। स्पेशल यूज है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस कैसा है, चुटकियों में समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो मे माने क्या होता है, सकना, कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि कैन प्रेजेंट टेंस में होता था। और मे का पास्ट टेंस होता है माइट, मींस सकाया, सकता था। तो अब इनके यूज पढ़ते हैं हम, यूज कैसे करते हैं इनको, यूज ऑफ मे। मे का यूज जो होता है वो कोई आज्ञा लेने, अनुमति लेने या देने के लिए होता है। आप आज्ञा ले भी सकते हैं, आज्ञा दे भी सकते हैं, या कोई संभावना होती है, कोई पॉसिबिलिटी होती है, फिजिबिलिटी होती है कोई, तो वहाँ किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं हम। कोई आशीर्वाद, जब आशीर्वाद संबंधी वाक्य मुँह से निकलता है, आशीर्वाद संबंधी वचन निकलते हैं, तो स्पीकिंग के समय किसका यूज़ किया जाता है, मे का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स के सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनका यूज होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम मे का यूज़ किस में करते हैं, अनुमति लेने या देने के लिए करते हैं। तो क्लासेस में या कहीं एंट्री करते समय क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, हा? तो गाइज, अभी आप बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मे आई एंटर, मे आई कम इन, हा? कभी सोचा है क्यों, किसका प्रयोग हो रहा है? और बहुत से तो मे की जगह क्या बोलते हैं, मैं, अरे मैं नहीं होता, ये मे होता है, मे आई कम इन, मैं नहीं, मे आई कम इन, ठीक है। तो इसके आंसर में क्या आता है, यस यू मे, यू मे, आप आ सकते हैं, हा? तो समझ गए ना, ये तो हो गया अनुमति। अब संभावना क्या होती है, जैसे कि इट मे ब्लो द एयर टुडे, हाँ? क्या है, आज हवा चल सकती है, आज हवा चल सकती है, इट्स पॉसिबिलिटी, क्या ये संभावना, इट्स फिजिबिलिटी, संभावना व्यक्त हो रही है यहां पर, संभावना सो हो रही है, पॉसिबिलिटी सो हो रही है, इसलिए किसका यूज हुआ यहां पर, मे का यूज हुआ। अब एक हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए आशीर्वाद, इसका भी एग्जांपल दे देते हैं, और नहीं तो फिर ये भी बुरा मानेगा कि मेरा एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप स्कूल से जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, रास्ते में कोई एल्डरली पर्सन मिलता है, तो आप उसको ग्रीट करते हैं, उससे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, जो भी करते हैं, तो उसके बदले में इंटर्न, What you get in turn? क्या क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, you are blessed in turn of that। तो जैसे कि फिर आपने क्या बोला कि आज, जैसे गांव की भाषा में बोल देते हैं कि बहुत दिनों तक जीते रहो, हा? तो क्या होता है उसका, May you live long, हा? मतलब दीर्घायु हो, क्या दीर्घायु हो, तो ये क्या है,
ये आशीर्वाद हो गया। तो जो मे का यूज है बहुत ही आसान यूज है, बस अंतर क्या है, कैन में क्या होता था, कैन में होता था वहाँ पर क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी और आपका निगेशन था उसमें, मनाही जिसको बोलते हैं। लेकिन मे में क्या है, यहाँ पर अनुमति लेना देना, संभावना व्यक्त करना और आशीर्वाद आदि के लिए किसका यूज होता है, मे का यूज होता है। तो अब माइट का यूज देखते हैं कि माइट का यूज कैसे होता है। तो माइट क्या है, माइट जो होता है मे की पास्ट फॉर्म होती है बिल्कुल, हाँ वहाँ सकता है और यहाँ क्या आ जाएगा, माइट मीन्स सका हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इधर लिख दूँ, माइट माने क्या हो जाएगा, सका या सकता था, केवल पास्ट फॉर्म होता है। और माइट से एक बात और होती है कि माइट से हमेशा दूर की जो संभावना होती है, बहुत दूर की संभावना माइट से यूज होती है उसकी। दोनों एग्जांपल्स को दूंगा किस तरह से पास्ट में यूज होता है और दूर की संभावना कैसे यूज होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम दूर की संभावना के लिए कर रहे हैं तो क्या होता है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं उसके लिए। आकाश में बादल नहीं है, फिर भी बारिश हो सकती है, क्या ये दूर की संभावना हो गई, एक भी बादल नहीं है फिर भी बारिश हो सकती है। तो इसमें किसका यूज करेंगे, माइट का यूज, कैसे, आकाश में बादल नहीं है, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल नहीं है, यट इट माइट, दूर की संभावना हो गई, माइट रेन, समझ गए आप, कैसे, यट इट माइट रेन, दूर की संभावना है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ, हमने माइट का प्रयोग किया। अब क्या कह रहा था मैं कि माइट पास्ट रूप भी होती है, जैसे कि सेंटेंस हो जाता है, कि राम ने कहा कि वह दिल्ली जा सकता है, राम ने कहा, राम सेड, की के लिए क्या लगाया हमने, दैट लगाया, की के लिए दैट लगाते हैं, और ही, अब क्योंकि सकता है, मे का यूज होना चाहिए, लेकिन जब इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट टेंस बनेगा, अरे भाई इसने जीन्स पहन रखी है तो इसको भी जीन्स पहनाएंगे नहीं तो नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो राम सेड दैट ही, और मे के स्थान पर क्या हो जाएगा, पास्ट रूप, माइट गो टू दिल्ली, तो ये इसका पास्ट रूप हो गया। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में आपको मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, आई थिंक यू मस्ट हैव ग्रेस्प्ड ऑल द मटेरियल व्हाट आई प्रेजेंटेड बिफोर यू। ओके, थैंक यू।